बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरारफिक ब्लॉग। आई होप कि तुसी सारे ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैं आज का एक होर नया ब्लॉग लैके जिद्द मैं अपनी तुम्हें घर की थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी, तो अपनी थोड़ी बहुत गल्ला तुम्हें शेयर करूँगी। तो अज मैं तुम्हें दसना कि अब मैं सारा जिंदगी नहीं, मतलब अपने बच्चों अज मैं पहली दफा ना बाहर लैके गई सी खाना खाने। तो अज मैं बहुत एक्साइटिड सी, सोचा ना घर के काम तो करते रहता, तो चलो साथ साथ ना बच्चों ने भी कभी कभी ना बाहर भी खाना खिलाने लेना चाहिए है। इस ना मैं अपने काम सारे जल्दी जल्दी खत्म किए, तो सोचा बच्चों ने अब खाना बाहर खिलाना है। तो ना मैं कबाब बनाए थे, तो मैं ना सारे ना देख के आई हूँ। मैं अपने वास्ते थोड़े से ना दही भले बनाए, कबाब बनाए से रखे आ कि ना मैंने बहुत ज़्यादा भुख लगन दी सी। मैं पहले ना मैं खाऊंगी एक कबाब, तो फिर मैं बाकी काम करूंगी। तो इतने मैं कबाब बनाया, तो मैं देने चली अपनी खाला नू। मैं खाला अंदर बैठी है, तो उन्होंने अंदर ही उत्तर दे आनी खाले को जाके। आला खाला सीधा तुम्हें ला ला आ कबाब तेरे वास्ते ले बना के। है क्या ना किन्ने आप ही बनाने घर से जड़िया छोटिया मोटिया रोटियां बच जा जो पकई दी है, तो ना मैं वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं ना थोड़ी सी ना थोड़ी देर रोटियां ना पानी से भिगो कर रख दिता सगा, तो मैं शाम के टाइम ना मैं जाके उपर कव्या पाऊंगी। तो इतने ना मैं रोटियां जो भिगो कर रखी, मैं चल हूँ कव्या पा देनी है। इस टाइम कवे भी आते होंगे तो वो भी खा लेंगे, तो ना स्वाद मिलेगा। वैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। जो कवे वगैरह ना भी हो तो फिर भी ना मैं एक साइड रख देनी है। फिर हफ्ते बाद ना एक लैदा ना असं अपने नाल हमसाया ना उन्होंने घर, उन्होंने अपने ना काफ़ी मवैशी उन्होंने जानवर है, तो उन्होंने दे देने तो अपने जानवरों में पा देंगे। तो इतने मैं आ गई अपने बच्चों लैके बाहर, तो ना मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटिड सी। तो उन्होंने वास्ते ना मैं ऑर्डर किया ना, बच्चे है तो कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने पसंद नहीं करते। वैसे मेरा बड़ा बेटा शाहजी ना वो शवारमा वगैरह भी खा लेंदा। मैं पूछा शाहजी बेटा की खाना, तो कहता मामा मैं शवारमा खाना। तो ना शाल जी ना एक कुछ भी नहीं खाती, जी चीज़ ज़रा कि मिर्च हो ना बिल्कुल नहीं खा सकती। तो मैं सोच नहीं सी अद वास्ते की ऑर्डर करा, बाद लै गई। फिर मैं नगेट्स ऑर्डर किए, तो इन्हें काफ़ी अच्छे लगे, तो खाती पी है। तो इतने शाजल भी नगेट्स खाता पाया, ना शाजल ने काफ़ी पसंद है, कहना मामा पहले मैं नगेट्स खा लवा फिर मैं शवारमा खाऊंगा। तो मैं क्या चलो ठीक है, तो काफ़ी गर्म है, तो शाजल भुक्का मार मार के खाता पिया। अगे ना मैं कभी भी बच्चों ना बाहर नहीं लैके गई, ना ही मैं तो मेरे हस्बैंड वगैरह, हस्बैंड ना शाजल नू तो लै जाते, बाकी मैनू तो ना शाल नू कभी भी नहीं लैके बाहर। तो मैं सोचा हूँ मैं जो भी कभी ना बाहर आई कोई अपनी खरीदारी करने वास्ते ना अपने बच्चों ना जाकर जरूर अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ जरूर खा गया करनी है। तो एक चेंज हो जाता है, वैसे भी ना अच्छा लगता है बच्चों ना बाहर जाके। जरूरत नहीं बंदा हर रोज़ घर ही बैठा खाता रहे, कभी कभी बाहर भी जाना चाहिए, अच्छा लगता है एक चेंज हो जाता है। तो बच्चे ना संभालना काफ़ी ना मेरे लिए मुश्किल होंगे। मैं अच्छी पहली दफा बाहर लै गई, तो मैंने ना बहुत तंग कर दी, तो मैं भी ना बाहर जाकर ना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर दी जो मेरे ना कोई होवे ना। मैं हमेशा जो भी बाहर जाती हूँ या तो अपनी भैन ना जानी होंगी हाँ, तो या ना कोई मैं जरूर नाल लैके जानी है ना, कि मैंने कल ना जाना ना अच्छा नहीं लगता मार्केट। तो अज मैं ना इन्होंने ना अपने नाल लै गई सी, तो मेरे नाल हो कोई भी दूसरा नहीं सगा, तो इन्होंने दोवों कल्याण मैं संभालना सी। तो मैंने ना काफ़ी मुश्किल होंगे से, मैंने बहुत ज़्यादा तंग करते पे से, तंग तो करते पर जाके ना अच्छा लगा बच्चों भी। तो इतने ना शाल ने ना मामा मैंने कहा मामा कैचअप डाल दे, मैं ना कै खाने हैं नगेट्स, तो मैं कैचअप की जगह तो मैं समझा कैचअप तो चिली सॉस ही, तो मैं चिली सॉस पाती, तो उन्होंने बहुत मिर्चा लगन दी है, तो उन्होंने बोतल भी पीती, फिर भी मिर्चा नहीं खत्म हुई मुँह चो। कहते मामा मैंने पानी दो, तो इतने ना इन पानी वगैरह पी लिया, तो फिर असं सारा अपना बिल वगैरह अदा किया, तो घर आए खाना वगैरह खा के। तो गए यही सी मैं छोटी जी रूटीन जी मैं तुम्हें शेयर की है, कि तुम मैं जरूर मेरे चैनल लाइक तो सबसक्राइब करना है। तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग ना, तो दुआ से जरूर मैंने याद रखियो जी। अल्लाह हाफिज़।